हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हम सरफेस एरिया में कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। पीछे की वीडियो आपने ज़रूर देखी होंगी और उनमें क्वेश्चन हैं, वो भी आपने किए होंगे। अच्छे से क्वेश्चन करो, सीख कर करो। मेरा तो यही कहना है कि आप सीखो और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने आप को स्मार्ट बनाओ। स्मार्ट का मतलब क्वेश्चन आपने पहले किया उसमें टाइमिंग देखो, बाद में आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें टाइमिंग देखो, फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोचो कि क्वेश्चन में क्या चेंज हो सकता है, क्या क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, आप भी उनको आप बना सकते हो कि हमारी तरफ से ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन हो तो कैसे सोल्व करेंगे। तो एक्स्ट्रा करना है तो एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मैच में रोहित शर्मा नहीं चला, अगले मैच में चल जाता है विराट कोहली है, या फिर ये उन्होंने ब्रेक ले लिया, कुछ दिन प्रैक्टिस नहीं की, तो वो बाद में आते हैं तो सिलेक्टर भी कहते हैं, हर कोई कहता है कि देखते हैं कि फॉर्म में वापसी करेंगे या नहीं, इतने दिन से आए हैं कैसी टच में है ये। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिस से दूर थे, लेकिन उन्होंने अगर प्रैक्टिस की है, अच्छी प्रैक्टिस की है, तो मैच में आती अच्छा स्कोर करते हैं। तो उसी तरह आपको भी एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ अच्छा स्कोर करना है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 500 पर्सन हैव टू डिप इन ए रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। लेंथ 80 मीटर है, ब्रेड 40 मीटर है, 40 एक 50 है, 50 मीटर ब्रॉड ब्रेड है, वो 50 मीटर है। रेक्टेंगुलर टैंक है, उसके अंदर 500 व्यक्ति ने जंप किया है, और कहा है कि व्हाट इज द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक। जब वो पानी के अंदर गए हैं व्यक्ति, 500 व्यक्ति, तो कितना पानी ऊपर उठेगा उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। कहता है इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय पर्सन इज 0.04 m³। एवरेज देखें पर पर्सन की, मतलब जो भी प्रत्येक व्यक्ति है उससे जो पानी का डिस्प्लेसमेंट है, पानी जितना ऊपर आएगा वो कितना होगा, 0.04 m³। ये एक व्यक्ति से आएगा, टोटल कितने व्यक्ति हैं, 500। तो 500 व्यक्ति से कितना पानी ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 004, पॉइंट हटाओगे 00, 00 से 00 कैंसिल, 54 जा 20 m³। जो पानी ऊपर आया है उसका वॉल्यूम कितना है, 20 m³। लेकिन टैंक तो नीचे से ऊपर से सेम फॉर्म में है, नीचे भी रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ऊपर भी वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है। मान लो कि यहाँ तक पानी है, अब पानी यहाँ तक आ गया, ये इस दौरान 20 m³ ऊपर आया है, तो हाइट तो यही होगी जो आपने सपोज कर ली h, हाइट कितनी सपोज कर ली आपने h m। सो पानी ऊपर उठा है उसका वॉल्यूम निकालो lbh, रेक्टेंगल की फॉर्म में ही ऊपर आएगा, नीचे से रेक्टेंगल है तो वो टैंकी है, टैंक है, वो हर जगह से रेक्टेंगल की फॉर्म में है, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, नीचे से रेक्टेंगल ऊपर से, तो हाइट है तो lbh हो गया, तो वो क्या होगा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम lbh इक्वल टू ये ऊपर उठे हुए पानी का वॉल्यूम है, कितना पानी ऊपर उठा है, 20 m³। सो इक्वल में 20, h इज इक्वल टू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4, ये मीटर में आएगा। मीटर को जब आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 4, 1/2 cm। ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो हाइट कितना होगी, 1/2 cm। जो टैंक है रेक्टेंगुलर टैंक उसमें कितना पानी ऊपर उठेगा, 1/2 cm। नेक्स्ट, सुशांत है जे वेसल ऑफ द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन ओपन एट द टॉप ऑफ हाइट 11 एंड रेडियस टॉप 2.5। एक कोन की फॉर्म में एक बर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बताएंगे हम आपको। एक सुशांत नाम का व्यक्ति, उसके पास एक इन्वर्टेड कोन है,
उस कोन की हाइट है वो 11 सेंटीमीटर है और रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। एंड इज फुल ऑफ वाटर। मेटेलिक स्फेयर बॉल्स इच ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल बॉल्स हैं जिसकी डायमीटर है 0.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका भी हाफ होगा। हाफ कर दिया, पॉइंट हटाया, रेडियस हो जाएगी 1/4 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, डायमीटर ये है तो रेडियस कितना होगी? डायमीटर का हाफ, डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, पॉइंट हटाओगे 0, ये कैंसिल आउट किया आपने 5 से, तो 1/4 आ जाएगा इसकी रेडियस। फिर कहता है ये डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर आर पुट इन द वेसल ड्यू टू विच 2/5 ऑफ वाटर इन द वेसल फ्लोज आउट 2/5 पार्ट। इसके अंदर कुछ स्फेरिक बॉल्स डाली गई हैं तो उनकी संख्या फाइंड आउट करनी, मान लो एन डाली गई हैं तो प्रत्येक है वो स्फेयर की फॉर्म में है जिसकी रेडियस है 1/4 सेंटीमीटर। इनके अंदर डालने से इसके अंदर जो पानी था उसका 2/5 पार्ट है वो बाहर निकल गया। तो इन कोन्स की संख्या आपको फाइंड आउट करनी, मतलब इस स्फेरिकल बॉल जो अंदर डाली गई इनकी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो पीछे भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए वीडियो में, पिछली वीडियो में, कि जो चीज़ इसके अंदर पानी डाला है, जो चीज़ इसके अंदर डाली गई है तो पानी बाहर निकलेगा। कितना पानी बाहर निकलेगा, क्यों निकला है, जो चीज़ अंदर डाली थी आपने तो उस अंदर डाली है आपने, उसने जो जगह कवर की है तो वो पानी की जगह ली उसने, और वो पानी कहाँ गया? बाहर गया। इट मीन्स जो वस्तु डाली है उसका वॉल्यूम और जो पानी बाहर निकला उसका वॉल्यूम इक्वल होता है। तो आप बाहर जो पानी निकला है वो निकालो पहले, तो वो क्या होगा, कंप्लीट का 2/5, कंप्लीट कौन का वॉल्यूम होगा 1/3 πr²h, r है 2.5 square h, h है 11, डिवाइड में कितनी स्फेयर डाली हैं, प्रत्येक स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³, r है 1/4, सो ये क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ स्फेयर। जो पानी बाहर निकला वो ऊपर डिवाइड में नंबर ऑफ स्फेयर निकाले हो तो इस स्फेयर का वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2.5 का स्क्वेयर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिख दो, 1/4 का क्यूब है तो ये 4 कहाँ गया, ऊपर चला जाएगा, 4 का क्यूब है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई में लिख दो, नीचे पॉइंट हटाओगे 20, 25 4 जा 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 4 जा 16 × 11, या फिर ये 25 4 जा 100, 11 4 जा 44 × 100, 4400। सो नंबर ऑफ स्फीयर कितना हो गया, 4400। तो इस प्रकार क्या किया, जो पानी बाहर निकला गलत कर गए भी इसमें, ये जो है ना 2/5, हमने तो इसका कंप्लीट कर दिया लेकिन ये क्या था, 2/5 पार्ट इसका, तो 2/5 पहले आप यहाँ पे रखोगे, 2/5 यहाँ पे रखेंगे तो 2/5 यहाँ होगा, 2/5 यहाँ होगा तो 2/5 यहाँ होगा, 5 से कैंसिल आउट करो आप, मतलब इसको आप लिख सकते हो 44 × 100, 5 से 20, 2 2 जा 4, 4 × 4 176, 1760, 2 2 जा 4, 44 4 जा 176, 0 7 में तो 1760। ये कहाँ से, जो पिछला क्वेश्चन कर गए थे ना हम, उसमें क्या था कि कंप्लीट पानी बाहर निकाल दिया था, कंप्लीट पानी तो ये था डिवाइड में प्रत्येक स्फेयर का वॉल्यूम, लेकिन जो पानी बाहर निकला वो क्या था, स्फेयर का 2/5 पार्ट है, तो स्फेयर का वॉल्यूम इंटू में इसका 2/5, ये जरूर करें। ये आप भी गलती कर सकते हैं, 2/5 की जगह 1/2, 3/4 कुछ भी हो, तो जो पानी बाहर निकला है उसका वॉल्यूम आएगा ऊपर, तो ये तो कंप्लीट कोण का वॉल्यूम था, इंटू में 2/5 पानी बाहर निकला है तो इंटू में 2/5 डिवाइड में इच स्फेयर का वॉल्यूम, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी नंबर ऑफ
स्फीयर। नेक्स्ट देखो, अब स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। वाटर फ्लोज थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप हुज इनर रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पाइप है, रेडियस है 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो स्पीड है पानी की वो 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इज एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक द रेडियस ऑफ हुज 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द राइज वाटर लेवल इन द हाफ एन आवर। रेडियस इज 40। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस है 40 सेंटीमीटर, तो इस पाइप के अंदर से इस टैंकी में पानी डल रहा है, इसकी कितनी हाइट ऊपर उठेगी? मान लो 8 मीटर हाइट, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में एक्सपोज करेंगे हम, तो इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर ऊपर उठेगी। कितनी देर के लिए बोला इसने? हाफ आवर, मतलब 30 मिनट के लिए। तो ये जो स्पीड दे रखी है, ये स्पीड का क्या मतलब है यहाँ पे? ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है ना, इस पाइप की लेंथ लेंगे हम पर सेकंड, 1 सेकंड के लिए 80 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पाइप फॉर 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए कितना है? 80 सेंटीमीटर, तो 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। 60 सेकंड में इसकी लेंथ ज्यादा होगी, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट, इसको 1 मिनट भी बोल सकते हैं। आपको लेंथ चाहिए 30 मिनट के लिए, तो 30 मिनट के लिए लेंथ इसकी और ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए फिर से मल्टीप्लाई, इतना सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी पाइप की। तो 30 मिनट में इतनी लेंथ का पानी इसके अंदर आएगा, तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है जो पाइप है, उसकी लेंथ लेंगे हम, जो हाइट बोल सकते हैं, और ये रेडियस दे रखी है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि इस पाइप से इतनी लेंथ का पानी इसके अंदर आने वाला है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वेयर, आर है 1, एच है 30 मिनट के लिए, 80 × 60 × 30 इक्वल होगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर 40 एच। एच की जगह एच लेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट। अब 40 40 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 0 से 0 0 से 0, 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 3 जा 6 0, एच इजल टू 33 जा 90 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू आ गई 90 सेंटीमीटर। तो हाफ एन आवर, 30 मिनट में इस टैंक का जो पानी लेवल है वो कितना ऊपर उठेगा? 90 सेंटीमीटर। तो ये पाइप से पानी आ रहा है, स्पीड दे रखी है, तो इसको अच्छे से देखें, ये जो स्पीड है ये पर सेकंड है, तो 1 सेकंड के लिए इस पाइप की लेंथ हो जाएगी, फिर जितने टाइम के लिए आपको फाइंड आउट करना है वो। अभी इसी क्वेश्चन में ये होता कि इस टंकी को ये कितनी देर में भर देगा, तो इस टंकी की कैपेसिटी ऊपर इसका वॉल्यूम डिवाइड में पर सेकेंड के लिए, या पर मिनट के लिए निकाल लेते टाइम लेंथ इसकी, पर मिनट के लिए जो भी लेंथ है उसका वॉल्यूम डिवाइड में कर दो, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस टंकी में तो इतना पानी आएगा, लेकिन पर मिनट में हम इतना पानी डाल रहे हैं इसके अंदर, वो डिवाइड में आ जाएगा, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो पर मिनट है, तो वो आंसर किस में हो जाएगा? मिनट में। नेक्स्ट देखें, ए फार्मर रन्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड विद 10 मीटर डायमीटर 2 मीटर डीप। एक वो एक वैसा ही क्वेश्चन है कि थोड़ा सा चेंज है, इसमें सिलेंड्रिकल पाइप है,
जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर से जो पानी आ रहा है वो एक सिलेंड्रिकल टैंक में डाला जा रहा है, और इस सिलेंड्रिकल टैंक की डायमेंशन दे रखी है, डायमीटर है 10 मीटर, डीप है 2 मीटर। डायमीटर 10 है तो रेडियस होगी 5 मीटर, डीप है 2 मीटर। फिर कहता है इफ वाटर फ्लो थ्रो द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, जो पानी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, चल रहा है, तो हाउ मच टाइम विल द टैंक इज फिल्ड, तो टैंक भरने में कितना टाइम लेगा। जैसे मैंने बताया था वैसा ही क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये मीटर में, ये मीटर में पर आवर के लिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 1000 से मल्टीप्लाई, ये लेंथ हो जाएगी सिलेंड्रिकल पाइप की 1 आवर के लिए। और इसकी जो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1/10 मीटर। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सभी जो अदर डायमेंशन है वो मीटर में है। तो ये कितनी देर में भरेगी, इसके लिए इस टंकी में हमें पता होना चाहिए कि कितना पानी आएगा। जैसे किसी टंकी में 10 लीटर पानी आता है, हम एक घंटे में उसके अंदर 2 लीटर पानी डाल सकते हैं, तो कितनी देर में भरेंगे, 5 घंटे में। ये 5 कहाँ से आया, उस टोटल टंकी का टोटल पानी जो उसके अंदर आएगा, टोटल कैपेसिटी डिवाइड में 1 घंटे की कैपेसिटी जो हम उसमें डाल रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड में पर आवर के लिए इसका वॉल्यूम, ये भी सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच, एच है, एच कितना है 3000 मीटर। कैंसिल आउट करो, एच पाई कैंसिल, डबल जीरो कैंसिल, 5, 6 जा 2, 3 जा, 5/3। ये किस में आएगा टाइम, हावर में या मिनट में, ये कितनी देर के लिए लेंथ है पर आवर, 1 आवर के लिए, तो ये टाइम किस में आएगा, हार में। हार को चेंज करो कि मिनट में, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 5, 25 जा 100 मिनट। तो इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, 100 मिनट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेरा टारगेट ये है कि कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँ, जिससे आपकी जो मोस्टली डाउट हैं वो सोल्व हो जाएं। और इनके अलावा भी अगर आपकी डाउट बच जाती हैं तो वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसकी रेडियस सपोज कर लिया आपने आर, हाइट सपोज कर लिया आपने एच, इनकी रेडियस और हाइट का सम दे रखा है 37, साथ में दे रखा है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628, ये दे रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr r + h, और ये कहता है वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो 2π किस गया 22/7 इंटू आर, आर प्लस एच जो दे रखा आपको कितना है 37 इज 1628। अब ये 7 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, 22 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, 37 भी डिवाइड में, 2 से कैंसिल आउट करो 814, 11 से कैंसिल आउट करो 11 2 जा, 11 7 जा, 11 4 जा, 37 2 जा, 74 2 से 2 बच गया आपका, R इज इक्वल टू 7।
तो रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, आर किस गए 7 प्लस एच इज 37, एच कितना होगा 37 माइनस 7 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गई, हाइट 30 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई कितना है 22/7, आर कितना आपका 7, स्क्वेयर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, एच एच है आपका 30, कैंसिल आउट करो 7 से 7 कैंसिल, 22 × 3 = 21 कितना हो जाएगा ये 21 × 42, 4 × 21 = 42 or 4 = 46, 4620 cm³ वॉल्यूम होता है वो क्यूब में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर इसके डायमेंशन है तो वॉल्यूम होगा क्यूब में, एरिया था हमारा स्क्वेयर में। तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। तो ऐसे मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, लेकिन सभी में लगभग एक ही लॉजिक यूज कर रहे हैं, फॉर्मूले तो सभी आपको आने चाहिए, प्लस में क्वेश्चन को हम जरूर समझें, क्वेश्चन को एक बार नहीं पढ़ना आपको, 2, 3, 4 जितनी बार आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लोगे तो अपने आप आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब स्फीयर का हाफ पार्ट, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उन्हीं को कर रहे हैं। इसमें क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2, 4, 2, 5 and 1/2 cm³। देन फाइंड द क्राउड सरफेस एरिया, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपको फाइंड आउट करना है, हेमिस्फीयर ये फाइंड आउट करना आपको, स्फीयर का हाफ पार्ट इस फॉर्म में होगा, इसकी रेडियस आपने सपोज कर ली आर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये जो दे रखा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज दिस, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करो 4850 प्लस में 1 4851/2 हो गया, 2 से इसकी मल्टीप्लाई प्लस में 1 डिवाइड में 2, 2/3 πr किस गया आपने लिख दिया 22/7 r³ इज 48512, 37 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 2 इधर आके डिवाइड में 22 इधर आके डिवाइड में, अब देखो ये कैंसिल होता है क्या 11 2 जा 11 4 जा 48 4 11 4 जा 11 1 जा, ये आर क्यूब है 441 को आप लिख सकते हो 21 × 21 × 3 = 21, नीचे 2 × 2 × 2 = 3 × 2 है, इधर क्यूब है तो हम चाहेंगे कि इधर वाला पार्ट भी क्यूब में हो और हमें नजर आ रहा है आर क्यूब इक्वल टू 21 कितने टाइम मल्टीप्लाई में 3 टाइम डिवाइड में 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई में 3 टाइम, तो 21/2 का होल क्यूब हो गया। अब वैल्यू सेम, पावर सेम, तो बेस भी क्या होगा सेम होगा, या फिर यूं कह सकते हो आप क्यूब को ख़त्म करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती कैंसिल, आर इजक्ल टू 21/2, हेमिस्फीयर की रेडियस होगी आपकी 21/2, क्राउड सरफेस एरिया निकालना है, क्राउड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर होता है 2πr² 2π किस गया 22/7 r² आर किस गया 21/2 स्क्वेयर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई में कर दो 2 से 2 कैंसिल 2 से 11 7 3 जा 11 3 जा या यहाँ पे करो 21 3 जा 63 इंटू में 11 693 कितना हो जाएगा 693 cm²।
तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना चाहते हैं। और आप भी इन सभी वीडियो को देखें, पीछे की वीडियो को देखें, और इनमें जो बेसिक चीज़ हैं उनको आप अलग से निकाल के अपनी कॉपी में नोट करें, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन होंगे, इनसे अलावा क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चनों को कर सकें। तो ध्यान से देखें इनको। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर। एक स्फीयर है और उस स्फीयर के चारों ओर जो एक सिलेंडर बना हुआ है, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब इसके चारों ओर बना हुआ होना। इस स्फीयर की रेडियस आपने सपोज कर ली आर, तो स्फीयर की रेडियस आर है तो सिलेंडर की भी रेडियस आर होगी, और सिलेंडर की हाइट उतनी होगी जो कि इस स्फीयर का डायमीटर है, डायमीटर है 2R। हमें प्रूव करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्रव्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सिलेंडर, कि इस सिलेंडर का जो क्रव्ड सरफेस एरिया है, क्रव्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल प्रूव करना है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे पहले आप इसको निकाल लो, क्रव्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, h कितना, रेडियस तो आ रही है, h कितना है 2R, 2 × 4πR², जो क्या है आपका, जिस स्फीयर की रेडियस R है तो उसका टोटल सरफेस एरिया भी कितना होता है 4πR². तो क्रव्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिया, उसका सॉल्यूशन किसके इक्वल आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इस क्वेश्चन में क्या था कि अंदर एक स्फीयर है जो एक सिलेंडर के अंदर बना हुआ है, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब स्फीयर के चारों ओर टच है वो सिलेंडर, ऊपर भी टच, नीचे भी, साइड में भी, तो जो रेडियस, जो डायमीटर स्फीयर का है वही डायमीटर सिलेंडर का होगा, तो दोनों की रेडियस सेम होगी, और जो हाइट है सिलेंडर की वो डायमीटर होगा स्फीयर का, जो कितना है 2R। तो इस प्रकार हमने क्रव्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दोनों ही क्या हो गए, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, ए हीप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ कोन, डायमीटर 9 एंड हाइट 3.5, डायमीटर 9 है तो रेडियस होगी 9/2, डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, हाइट है 3.5 मीटर। फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, हाउ मच कनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द हीप, राइस का वॉल्यूम निकालना है। तो एक कोन की फॉर्म में, एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3πR²h, 1/3π की जगह 22/7, आर कितना है 9/2, स्क्वेयर है तो 2 टाइम लिख दो, इनटू h, h मीन्स हाइट जो है 3.5, पॉइंट उठाओगे 10, 7 5 जा 5 2 जा 3 3 जा 9 2 से 11, कितना हो जाएगा ये 11, 3 जा 33 इंटू में 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 2 9 7, डिवाइड में 2 2 जा 4, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 4 2 जा, ये मीटर में है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो
सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें यह भी फाइंड आउट करना है इस हीप को कवर करने के लिए कितने कनवास की जरूरत होगी। तो कनवास मतलब इसके इसको कवर करना है तो कहाँ कहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ग्राउंड में कनवास यूज नहीं होगा, इसके चारों ओर लगेगा, चारों ओर लगेगा। तो इस चारों ओर का मतलब इसका क्राउड सरफेस एरिया, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ कौन जो होता है पाई आर एल। पहले आपको एल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फॉर्मूला बताया था आपको एल इजिकल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। एल मीन स्लेंट हाइट, एच कितना है यहाँ पे 3.5 स्क्वेयर, आर कितना है 9/2 स्क्वेयर, पॉइंट हटाओगे 10, 5 से कैंसिल आउट करो, ये हो जाएगा 7 का स्क्वेयर 49, 2 का स्क्वेयर 4, 9 का स्क्वेयर 81 डिवाइड में 2 का स्क्वेयर 4। एलसीएम लीजिए 4, ऊपर 49 प्लस 81, ऐड करोगे 130/4, 130 का स्क्वेयर रूट डिवाइड में 4 का स्क्वेयर रूट 2, कितना आ गया, ये कौन है ये स्लेंट हाइट। तो यूज कर दो पाई 22/7 आर रेडियस 9/2 इंटू एल, एल इज स्क्वेयर रूट ऑफ 130 डिवाइड में 2, ये जो आएगा इतना मीटर स्क्वेयर। इसका जो स्क्वेयर रूट है 130 का नियर अबाउट निकाल लोगे टू डिजिट तक, फिर उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो भी है आपका मीटर स्क्वेयर क्या है जो आपको कन्वास चाहिएगा इसको कवर करने के लिए उसका एरिया। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं, वैसे क्वेश्चन और भी हैं, आप उनको करके देखें। और इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी करते हैं तो वहाँ पे भी इनका बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा यूज होता है। तो आप इनको अच्छे से करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें, और मोस्टली आप क्या करें, मेहनत इतनी मेहनत करो ज़बरदस्त। प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मैथमेटिक्स। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका मैथ उतना ही स्ट्रोंग होता जाएगा और उतना ही फास्ट होता जाएगा, आपकी स्पीड है वो भी बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी प्रैक्टिस से। थैंक यू।